नमस्ते रुचिरा में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है मूंग दाल भज्जी। आवाज से ही आपको पता चल गया होगा ये कितने क्रिस्पी बने। इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं, सॉस के साथ भी इसे आप खा सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए कितना क्रिस्पी और कुरकुरे बने हैं। बच्चों के टिफिन में भी आप इसे दे सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स की तरह भी खा सकते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को यह पसंद आ ही जाता है। झटपट बनने वाली आसान सी रेसिपी है। चलिए देर न करते हुए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है मूंग दाल। इस कप से मैंने एक कप मूंग दाल एक घंटे पहले पानी में भिगो के रख दिया था। इसे मैंने अच्छे से वॉश भी कर लिया है। दाल अच्छे से भीग गया है। अब मैं इसे सारा पानी निकाल देती हूँ। मैंने मूंग दाल से पानी ड्रेन कर दिया है। अब मैं एक मिक्सर जार में इसे डाल रही हूँ। यहाँ पे हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे दो तीन मैंने हरी मिर्च ली है और आधा इंच अदरक का टुकड़ा, वो भी इसमें ऐड करेंगे। इसे हमें दरदरा सा पीसना है। मूंग दाल को मैंने दरदरा सा पीस लिया है। ये देखिए इसका फाइन पेस्ट नहीं करना है, नहीं तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अब मैं एक बाउल ले रही हूँ, उसमें मैं ये पिसा हुआ मूंग दाल को ट्रांसफर कर रही हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक बारीक कट किया हुआ प्याज, ढेर सारा बारीक कट किया हुआ फ्रेश हरा धनिया। धनिया का फ्लेवर इसमें बहुत ही बढ़िया आता है, इसे आप जरूर यूज करना। आधा चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा मैं इसमें चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, इसे चटपटा स्वाद देने के लिए, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। सारे मसाले हमने ऐड कर दिए हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए मूंग दाल भज्जी के लिए हमारा बैटर बनकर तैयार है। यहाँ पे भी आपको बिल्कुल पानी नहीं यूज करना है। गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी, तेल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए, नहीं तो हम भज्जी डालेंगे तो नीचे जाके चिपक सकते हैं। अभी हमारा तेल गर्म हो गया है तो गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है। जो भज्जी का बैटर हमने तैयार किया था उसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन उठाकर हम इस तरह से डालते जाएंगे। इसका हमें गोला बनाकर नहीं डालना है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल नीचे चिपके नहीं है। अब मैंने गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है। अब दो तीन मिनट बाद हम इसे पलट देंगे। ये देखिए एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो गए हैं और दो तीन मिनट तक हमें इसे पकाना है। हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है तो ही अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी बन जाएंगे। उलट पुलट करके इसी तरह से हम दोनों तरफ से इसे अच्छे सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पकाएंगे। हमारे भज्जी फ्राई होकर तैयार हो गए। अब हम इसे टिश्यू पेपर पर निकाल देते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बने, अच्छा सा कलर भी आ गया है। इस तरह से मैं दूसरा बैच भी फ्राई कर लेती हूँ। क्रिस्पी टेस्टी मूंग दाल भज्जी बनकर तैयार है। बहुत ही आसान सी रेसिपी और झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। मैंने दो तीन मिर्ची भी इसके साथ फ्राई कर लिए हैं। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना, आपके बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आ जाएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते ऐसे नए रेसिपी के साथ। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक्स।